नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की कुछ ताजा और अहम खबरों पर। पटना एम्स में कोरोना मरीज की हालत बिगड़ी, कोरोना वार्ड में वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज, परिजनों का रिपोर्ट आया निगेटिव, फिर भी बनी हुई है चिंता की बात। बिहार के नवादा में मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन ने लिए साथ, फिर शामिल हुए तीन बारातियों ने कहा जान है तो जहान है, लॉकडाउन का करें ईमानदारी से पालन। बिहार में खरीफ फसल को बोने के लिए किसानों को होम डिलीवरी पर पहुंचाई जाएगी धान के बीज, बिहार सरकार कर रही है तैयारी। औषधीय रूप में तैयार की जाएगी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबह ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। जदयू के सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने राज्यों में बिहारी प्रवासी मजदूरों और नागरिकों का रखे ख्याल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। गोपालगंज के चेयरमैन मुकेश पांडे का अनोखा प्रस्ताव, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे आशा कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं के ड्यूटी के दौरान मौत होने पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी। सिवान के मेहदार में मंदिर की छत पर सो रहे महंत की ईंट पत्थर से कूच कूच कर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। सिवान जिले में 8 दिनों तक चलेगी एक्टिव स्क्रीनिंग, देश के 170 हॉटस्पॉट जिलों में बिहार का एकमात्र जिला है सिवान। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने दिए सख्त निर्देश, खेतों में पराली जलाने पर किसानों को 3 वर्षों तक नहीं मिलेगा किसी भी योजना का लाभ। बीते दिनों सिवान में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष की हत्या का तार गोपालगंज से जुड़ा, हथुआ की एक युवती से हो रही है पूछताछ। औरंगाबाद में मेडिकल और पुलिस टीम पर हमले में 101 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, 40 अज्ञात लोगों को भी बनाया गया आरोपी। बिहार शरीफ में कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली से बिहार आने वाले सभी यात्रियों को भेजा गया नोटिस, सरकार ने 19 जिलों में ऐसे यात्रियों को दिया जांच के आदेश। गोपालगंज के सदर SDM उपेंद्र पाल ने माझा प्रखंड के गौसिया पंचायत में जन वितरण प्रणाली के दुकानों का किया निरीक्षण, कम वजन और कालाबाजारी की शिकायतों के बाद शुरू हुई जांच, सदर SDM ने डीलरों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। ये थी आज की कुछ अहम खबरें, ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूर्वांचल समाचार। नमस्कार, शाम 7 बजे हम फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में, तब तक के लिए पूर्वांचल की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।